Once again, very good evening. Myself, Dr Prakash, head of department environmental science, KNIPSS, Sultanpur. हमारे यहाँ MSc environmental science 2007 से है और BSc 2003 से. और हमारे यहाँ आज तक जो है कोई स्टूडेंट बेरोजगार नहीं रहा है, इसीलिए मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ कि ये जो है इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे द फंडामेंटल स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस. अगर हम बेसिक फंडामेंटल की बात करें तो BSc इन्वायरमेंटल साइंस करने के बाद से आप जो है कंसल्टेंसीज भी ज्वाइन कर सकते हैं. अब नया ऑप्शन आ गया है, JM के थ्रू आप IITs में जा सकते हैं और इसके बाद से भी आप SSCs, IAS, PCS सब कर सकते हैं. BSc करने के लिए आपको अपने ग्रेजुएशन में जो है जूलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंट ले सकते हैं या केमिस्ट्री के साथ इन्वायरमेंट ले सकते हैं या माइक्रो के साथ कहीं कहीं पर इन्वायरमेंट ले सकते हैं. अब आते हैं MSc पे. MSc इन्वायरमेंटल साइंस के लिए आपको जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए वो है कि आपका BSc जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी से किसी भी दो सब्जेक्ट के कम्बिनेशन में होना चाहिए, तो आप MSc इन्वायरमेंटल साइंस से कर सकते हैं. MSc इन्वायरमेंटल साइंस जो बच्चे करते हैं उनके लिए है कि आफ्टर जो है MSc वो CSIR नेट, लाइफ साइंस से, अर्थ साइंस से, एटमॉस्फेरिक साइंस से, तीन नेट, और UGC नेट इन्वायरमेंट साइंस खुद है ही, और ASRB नेट, ICMR नेट भर सकते हैं, WII का नेट भर सकते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के लिए जो निकलता है, गेट भर सकते हैं लाइफ साइंस से और इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन से जो इन्वायरमेंट साइंस वालों के लिए है. आप IITs में जा सकते हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट में आप जो है जितने भी IITs हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं. आप MTech के लिए रिमोट सेंसिंग में अप्लाई कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं MTech से. और इसके बाद से जो आपके पास ऑप्शन है वो है कंसल्टेंसी का. आप खुद की कोई कंसल्टेंसी खोल सकते हैं और आप कंसल्टेंसी में जॉब भी कर सकते हैं. इन्वायरमेंट पे बहुत सारी कंसल्टेंसीज हैं, स्वच्छ भारत मिशन ये सब इन्वायरमेंट में ही आता है, यहाँ भी आप जा सकते हैं. और जो आपका प्रधानमंत्री योजनाएँ हैं इसमें भी टेंडर्स के थ्रू भर्ती होती है, इसमें भी आप जा सकते हैं. अभी बायोप्लास्टिक पे हो रहा है उसमें भी जा सकते हैं. और इसके बाद से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं UPPCB में, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कहीं का भी CPCB में, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, जब आपके अच्छे परसेंटाइल रहेंगे. हमारे यहाँ MSc 2 साल का है जिसमें डिजर्टेशन भी है, सेमिनार भी है, इंडस्ट्रियल विजिट भी है, ये सब हम लोग कराते हैं रेगुलरली. समर ट्रेनिंग है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें आपको अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी या कोई जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. मेरा नंबर भी इसमें दिया हुआ है नीचे, इसमें इस पर आप फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं. मेरा पर्सनल नंबर है, उसी पे वो व्हाट्सअप भी अवेलेबल है. डिपार्टमेंट का अपना पेज है जिस पे आप जाके विजिट करके देख सकते हैं एक्टिविटीज़ को, डिपार्टमेंट के सारे जो टाइम टू टाइम उस पर पोस्ट की जाती हैं. बहुत ज़्यादा स्कोप है. हमारे 2007 से आज तक, अभी बता रहा हूँ मैं, आज तक अभी प्रेजेंट डेट में भी कोई स्टूडेंट आपको बेरोज़गार नहीं मिलेगा. यही भविष्य है. आप यूनाइटेड नेशन तक जा सकते हैं, आप MIT में जा सकते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ भी इन्वायरमेंट साइंस है. अगर आप IITs के थ्रू अच्छे नंबर्स पे जाएं तो वहाँ जा सकते हैं. स्कोप बहुत है. आप पूरे एंटरप्रेन्योरशिप में तो स्कोप इसका बहुत बढ़िया है. आप NGO खोल सकते हैं, आप प्लांट कंजर्वेशन पे काम कर सकते हैं, आप खुद की कंसल्टेंसी खोल सकते हैं. सो गाइज, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इसमें हमारे कमेंट कर सकते हैं. और हमारे बच्चों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर पेजेस एंड आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच. कोई जानकारी होगी तो प्लीज़ आप इस पर कमेंट करिएगा और जानकारी आपको दी जाएगी, या आप हमें डायरेक्ट फ़ोन कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी. थैंक यू.